एपिसोड की शुरुआत में शॉप के ओनर मियो के कपड़ों को लेकर घर पर आए हुए थे। मियो के कपड़े रेडी हो चुके थे एंड मियो उन कपड़ों को ट्राई कर रही थी। ओनर कहती है कि ये पिंक किमोनो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मियो मन में बोलती है कि ये बिल्कुल चेरी ब्लॉसम जैसा लग रहा है, मेरी मॉम ऐसा ही किमोनो पहनती थी। उसी वक्त वहाँ पर कूडो आता है और मियो उसे कहती है कि ये सारे किमोनो काफी महंगे लग रहे हैं, मैं इन सबको नहीं रख पाऊंगी, बस कुछ ही रख लेती हूँ। कूडो कहता है कि ये तुमने मेरे लिए हेयर कॉर्ड बनाया था ना, उसके बदले में तुम्हें शुक्रिया करने के लिए मेरी तरफ से तोहफा समझो, तुम इन सबको रख लो। मियो मुस्कुरा कर कहती है आपका शुक्रिया। ओनर बताती है कि दरअसल ये पिंक वाला किमोनो मास्टर ने ही आपके लिए पसंद किया था, और ये सुनकर मियो ब्लश करने लगती है और कूडो को फिर से थैंक्स कहती है। सीन शिफ्ट होता है टात्सुही के घर पर, काया भी वहीं पर थी। टात्सुही बोलते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि मियो उस कूडो का दिल जीत लेगी, और अब तो दोनों की शादी भी होने वाली है। एंड वो उन दोनों की एक फोटो काया को दिखाते हैं। काया फोटो को देखकर समझ जाती है कि उस दिन उसके बाजू में से जो गुजरने वाला बंदा था वो कूडो ही था, और वो मियो का होने वाला पति है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। टात्सुही कहता है कि इन दोनों के एक साथ होने से हमारा सारा प्लान बिगड़ गया। मैं तो मियो को अपने बड़े बेटे काजुशी की वाइफ बनाना चाहता था, एंड तुम्हारे डैड तुम्हारा रिश्ता कूडो जैसी फैमिली में करवाना नहीं चाहते थे। मियो कहती है कि आप फिकर मत करिए, मैं अपने डैड से बात करूंगी, वो मेरी हर बात मानते हैं। टात्सुही सोचता है कि ये कितनी बेवकूफ़ लड़की है, मुझे तो अच्छा है, इसकी वजह से मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अगले दिन मियो किचन में खाना बना रही थी और हमें बता रही थी कि कूडो ने हाना से उसकी मुलाकात कराई, इसलिए वो कूडो को एक डिनर पार्टी दे रही है और उसने गोडो को भी इनवाइट किया है। इधर कूडो गोडो को लेकर घर आ रहा था। गोडो मियो के खाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था और कूडो उसे बोलता है कि तुम जरा हद में रहना। गोडो बोलता है कि उसने मेरे लिए क्या खाना बनाया होगा। कूडो कहता है हे, तुम उससे अच्छे से पेश आना। गोडो कहता है क्या तुम जेलस हो रहे हो। कूडो कहता है नहीं, मुझे जलन नहीं हो रही। गोडो कहता है दूसरे शब्दों में कहे तो ये जेलसी ही थी। इसके बाद हम लोग मियो को देखते हैं जो मेकअप करके रेडी हो चुकी थी, और उसने वही किमोनो पहना था जो कूडो ने उसके लिए सिलेक्ट किया था, और ये दोनों भी लड़ते झगड़ते हुए फाइनली घर पर पहुंच ही जाते हैं। गोडो कहता है कि तुम जो ये सब मेरे साथ कर रहे हो ना, मैं ये सब मियो को बता दूंगा। कूडो कहता है तब तो तुम्हारा गायब हो जाना ही सही रहेगा। फिर मियो बाहर उन दोनों को लेने आ जाती है, और उसे देख कर कूडो का सारा गुस्सा शांत हो चुका था। तभी वहाँ पर गोडो भी आ जाता है। मियो उसका स्वागत करती है और गोडो बोलता है मिस मियो, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। फिर कूडो मियो की ओर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और मियो शर्मा जाती है। तभी कूडो को रियलाइज होता है कि गोडो भी वहीं पर है, तो वो बात पलटते हुए कहता है किमोनो, तुम्हारा किमोनो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और गोडो पीछे से ये सब देख लेता है। वो बोलता है लगता है मुझे घर वापस ही चले जाना चाहिए। मियो कहती है अरे नहीं, आप अंदर चलो। इधर पेड़ पर एक शिकिगामी को दिखाते हैं जिसके थ्रू काया ये सब देख रही थी। वो कहती है मियो मुझसे भी ज़्यादा खुश है, लेकिन मैं उसकी खुशी को ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी। यहाँ ये लोग डिनर कर रहे थे और गोडो को मियो के हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आ रहा था। वो कहता है आपको तो रोज़ मिस मियो के हाथ का बना हुआ घर का खाना खाने को मिलेगा, कमांडर मुझे तो आपसे जलन हो रही है। फिर वहाँ पर मियो आती है और गोडो को बोलती है कि मिस्टर गोडो, आपने मुझे हाना से मिलने में मदद की। गोडो कहता है मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस लेटर पोस्ट किया था और हाना को घर छोड़ा था। मियो कहती है लेकिन फिर भी आपने अपना कीमती वक्त मेरे लिए इस्तेमाल किया, मेरे लिए ये बहुत है, तो मैं उसके लिए आपको शुक्रिया कहती हूँ। गोडो का पूरा फेस रेड हो चुका था। वो मियो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मुझे आज से पहले ऐसा किसी ने नहीं कहा है। मिस मियो, आप इस कमांडर को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। कूडो को तो ये सुनकर खांसी आ जाती है। वो बोलता है हे, तुम क्या कह रहे हो। कूडो कहता है मैं बस मजाक कर रहा था। मियो कहती है मिस्टर गोडो, मैं आपके ऑफर का अप्रिसिएट करती हूँ,
लेकिन फिर भी मैं मिस्टर कूडो से ही शादी करना पसंद करूंगी। गोडो कहता है कि आपको मेरा इस ऑफर को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। और कूडो मियो की इस बात से काफी खुश हो चुका था। अगले सीन में कूडो गोडो को कार में बिठा देता है क्योंकि गोडो ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। फिर ड्राइवर गोडो को लेकर घर चला जाता है। फिर कूडो मियो से कहता है कि जब तुमने गोडो को डिनर पर इनवाइट करने की रिक्वेस्ट की तब मैं काफी हैरान हो गया था। मियो कहती है कि मैं बस अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती थी क्योंकि गोडो ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। कूडो कहता है आई होप तुम्हें इस डिनर पार्टी से खुशी मिली होगी। मियो कहती है आपका बहुत शुक्रिया। सीन शिफ्ट होता है काया की ओर। वो अपने डैड से बोल रही थी कि मैं कूडो फैमिली के लायक हूँ, मियो को नहीं बल्कि मुझे कूडो की वाइफ होना चाहिए। उसके डैड उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतना ही खाली वक्त है तो तुम्हें बेहतर वाइफ बनने की ट्रेनिंग करनी चाहिए। और फिर वो अपने कमरे में चले जाते हैं। काया को गुस्सा आने लगता है एंड उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि तुम मियो से बेहतर हो तो तुम्हें हमेशा उससे ऊपर रहना होगा। फिर वो कोजी के कमरे में चली जाती है। कोजी उसे पूछता है कि तुम इतनी रात गए मेरे कमरे में क्या कर रही हो। काया कोजी के नजदीक जाकर कहती है कि क्या तुम मियो से शादी नहीं करना चाहते। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें मियो को दिखाते हैं, उसे यहीं पर नींद आ गई थी और उसे सपना आता है जिसमें कुछ परछाइयां उससे मदद मांग रही थी। तभी कोई मियो को धक्का दे देता है जिससे वो एक दूसरे सपने में चली जाती है, जहाँ पर उसकी स्टेप मदर उसे कमरे में बंद करके वहां से चली जाती है। कूडो कमरे के बाहर ही घूम रहा था तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है तो वो भागते हुए कमरे के अंदर आ जाता है एंड वो मियो को बड़बड़ाते हुए सुनता है तो वो उसे अपनी गोद में बिठा देता है। और उसे कुछ सुपरनेचुरल सा महसूस होता है, लेकिन घर का बैरियर भी नहीं टूटा हुआ था इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और तभी वो मियो को रोते हुए देखता है तो वो उसे जगा लेता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें कोई बुरा सपना तो नहीं आया ना। मियो याद करने लगती है तो कूडो कहता है कि तुम्हें याद करने के लिए खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए और तुम्हें हेजिटेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज़ तुम्हें परेशान करती हो तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इसके बाद हम कोजी को देखते हैं जो अपने घर से कुछ लोगों को निकलते हुए देखता है और वो बोलता है कि मेरे फादर और काया दोनों मिलकर ये क्या करना चाहते हैं। अगले सीन में मियो कूडो के लिए लंच रेडी कर रही थी और वो कूडो की वर्क प्लेस पर वो देने के लिए जाने वाली थी। उसके बाद वो रेडी हो जाती है तभी वहाँ पर मिस यूरी आती है और वो मियो को एक पाउच देते हैं जो मियो के किमोनो से मैच कर रहा था। फिर वो मियो से कहती है कि हमें जल्दी चलना चाहिए वरना लंच टाइम खत्म हो जाएगा। और मियो जल्दबाजी में कूडो ने दिया हुआ एमुलेट को वहीं पर भूल जाती है। सीन शिफ्ट होता है कोजी की ओर, जो अपने फादर के कमरे में आता है तो वहाँ पर काया भी थी। काया उसे कहती है कि मैं तुम्हारे फियांसे को बदलने के लिए आई हूँ। कोजी कहता है तुम पागल हो गई हो क्या। काया कहती है कि क्या हुआ, तुम मेरी सिस्टर को प्यार नहीं करते। कोजी कहता है कि तुम्हारे फादर इसके लिए कभी नहीं मानेंगे और उनकी परमिशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। काया कहती है कि खुद मियो ही इसे अलाउ कर दे तो। कोजी के फादर बोलते हैं कि तुम थोड़ा सा सब्र रखो और देखो कि क्या होता है, तुम खुद ही समझ जाओगे। इधर मियो और मिस यूरी कूडो के पास पहुंच जाते हैं। कूडो उनके पास आता है और मियो कूडो को लंच पकड़ा देती है और फिर उससे माफ़ी भी मांगती है कि उसने कूडो को उसके काम के वक्त परेशान किया। उसके बाद ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कूडो को एमुलेट के बारे में याद आता है तो वो मियो को रोकता है और उसे पूछता है कि क्या वो एमुलेट तुम्हारे पास है। लेकिन मियो तो ये भूल ही गई थी कि वो उसके पास नहीं है एंड वो कूडो से कहती है कि हाँ वो मेरे पास ही है। कूडो कहता है ठीक है। तभी कूडो को अंदर से बुला लेते हैं और वो कहता है कि मैं आप दोनों को घर जरूर छोड़ देता लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। मियो कहती है कोई बात नहीं हम चले जाएंगे और कूडो अंदर चला जाता है। तभी मियो को याद आता है कि वो एमुलेट उसके पास नहीं है और उसे बुरा लगने लगता है क्योंकि उसने कूडो को प्रॉमिस किया था कि वो उसे हमेशा अपने पास ही रखेगी। और मिस यूरी कहती है कि आप फिक्र मत करें हम सीधा घर ही चले जाते हैं। और रास्ते में मियो यही सोचे जा रही थी कि मैं नए पाउच की एक्साइटमेंट में उस एमुलेट को घर पर ही भूल गई
मैं बहुत बेकार हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आती है और उसके अंदर से कुछ लोग निकल कर मियो को मिस यूरी के सामने ही कार में बिठा देते हैं। और उन लोगों के पास इनविजिबल होने वाली एबिलिटी थी। वो लोग मियो को किडनैप करके वहाँ से चले जाते हैं और मिस यूरी वहीं पर गिर जाती है। इधर काया कोजी को कहती है कि ये लोग मियो का रिश्ता कोडो से तोड़ने वाले हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है एंड कोजी के फादर उसे कहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए जो भी कर सकता हूँ वो सब कुछ करूँगा क्योंकि मैं हेड हूँ। लेकिन कोजी को इन बातों से गुस्सा आने लगा था। वो कहता है कि इतने सालों से मियो को अपने खुद के घर में ही नौकर के जैसे ट्रीट किया गया था और तब तो आपने उसकी कभी भी मदद नहीं की और आप इन सब को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हो। मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगा। मैं मियो को किसी भी हालत में बचा कर रहूंगा। अचानक कमरे में पूरा सामान हिलने लगता है मानो भूकंप आ रहा हो और सोफा भी हवा में उड़ने लगता है और ये कोजी की एबिलिटी थी। तत्सु ही कहता है कि क्या अब तुम मुझसे सुपरनेचुरल एबिलिटी से लड़ना चाहोगे। कोजी कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सुनना चाहता। मैं आपको मियो की जिंदगी में दखल अंदाजी करने नहीं दूंगा। और वो उन पर अटैक कर देता है। तत्सु ही उसका हमला काफी आसानी से रोक देता है और कहता है कि तुम्हारा हमला तो काफी ताकतवर था लेकिन तुम मेरा सामना कभी नहीं कर सकते। और वो कोजी को घिरा कर बांध देते हैं और वहां से जाते हुए कोजी को कहते हैं तुम यहीं पर इंतजार करो जब तक चीजें खत्म ना हो जाए। और वो रास्ते में बोल रहे थे कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो ये तय करो कि तुम उसे कैसे भी हासिल करोगे, सोचने से कुछ नहीं होता। इधर कोजी का बड़ा भाई आता है और उसे आजाद कर देता है और उसे कहता है कि क्या तुम यहीं पर बैठे रहोगे, जाओ किसी को तुम्हारी जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है और मिस यूरी कोडो के पास आकर उसे सब बता देती है कि मिस मियो को किसी ने किडनैप कर लिया है। कोडो उन्हें पूछता है लेकिन उसके पास तो वो एमुलेट था। फिर भी मिस यूरी कहती है कि नहीं, ये सब मेरी ही गलती है, मेरी ही वजह से वो अपना एमुलेट घर पर ही भूल गई थी। कोडो बोलता है कि मैं जानता हूँ ये सब किसने किया होगा और ये भी जानता हूँ कि इस वक्त मियो कहाँ पर होगी। तभी वहाँ पर गोडो आकर कहता है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है और कुडो बाहर जाता है तो वो कोजी था। वो कुडो से कहता है कि आप मेरी मदद करें क्योंकि मैं अकेले मियो को बचा नहीं पाऊंगा। और कुडो भी ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।